अब्दुल हफीज गांधी जी, आपसे अब सवाल मेरा यह है कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ इतना है कि जो सरकार की तरफ से गलतियां हो रही हैं उसको उनके सामने उजागर करना, विरोध करना, या जो चीजें अच्छी भी सरकार कर रही है उसको भी एक्सेप्ट कर लेना और जनता के सामने रखना, जैसा कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है? एक सकारात्मक विपक्ष का ये रोल होता है कि जो भी सरकार की कमियां हैं उसको तो दिखाएं, क्योंकि सवाल जो है वो किसी भी लोकतंत्र की रूह कहलाता है, सोल होता है किसी भी लोकतंत्र का। जिस लोकतंत्र में सवाल नहीं होंगे शायद वो लोकतंत्र कहला ही नहीं सकता। तो पहली जो एक प्रीरिक्विजिट है किसी भी लोकतंत्र के लिए वो मैं समझता हूँ कि सवाल है। और अपोजिशन चूंकि अगर सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। जहां तक सवाल आपका रहा कि यदि सरकार अच्छा करती है तो हाँ, उसकी जो है बिल्कुल सराहना होनी चाहिए, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जो कुछ कानपुर में घटा उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, उसकी जवाबदेही किस पर है, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बार बार जो है वाजपेयी जी बचने की कोशिश कर रहे हैं जब आप उनसे पूछ रही हैं कि ये क्यों हो गया, वो इधर उधर की तो बातें करने लगते हैं, वो बताने लगते हैं, बयानों पर आ जाते हैं। अगर बयानों की बात आएगी तो आधी भारतीय जनता पार्टी जो है सस्पेंड करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन चंद्र जी को सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा। आधी भारतीय जनता पार्टी देखिए, अगर बयानों पर जाएंगे तो बहुत से ऐसे बयान हैं जिनकी चर्चा फिर यहाँ पर करेंगे जी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जो भी सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी हम उसकी पूरी के पूरी जो है वो कार्रवाई करेंगे, और बहुत जल्द सुरक्षा बलों ने कार्रवाई कर दी। आप इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं? नहीं, मेरा 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 मानना यह है कि इतनी जल्दी जो सरकारें निष्कर्ष पर पहुंच जाती हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट, यही हमने हाथरस में देखा था जब उस दलित बेटी की हत्या हुई थी, तब भी हमने इस तरह की चीजें देखी थी कि किस तरह से सरकार निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ढाक के तीन पार सारी चीजें निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। अभी तक सुनने में नहीं मिलता है कि इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची। अगर कार्रवाई में देरी होगी तो फिर आप ही सवाल पूछेंगे, है ना? आप ही सवाल पूछेंगे कि देरी क्यों हो रही है। आपके सवाल का जवाब अरविंद कुमार जैन जी से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो सिस्टम में रहे हैं, जानते हैं। अरविंद कुमार जैन जी, मैं आ रही हूँ अंकल जी, आपके पास आ रही हूँ, जरा एक टेक्निकल सवाल समझ लूँ। अरविंद कुमार जैन जी, आप जरा आप समझाइए, जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, या जो तमाम बातें हो रही हैं इस चर्चा में, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, और इस कानपुर की घटना की जवाबदेही दरअसल आएगी किस पर? देखिए, इसमें समय लगता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी इन सब चीज़ों की साइलेंटली होती रहती हैं कि भाई यहाँ पर किसका क्या किसकी क्या भूमिका थी, किसको क्या देखना था, कौन किसके लिए जिम्मेदार था, और किसने क्या क्या किसी के पार्ट पे क्या कोई चूक हुई है। और ये आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ पुलिस विभाग की ओर से, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि इसमें कोई बच नहीं पाता है, अगर कोई इसमें कमी पाई जाएगी तो उसमें अवश्य ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक रही बात तफ्तीश की, सब एविडेंसेस कलेक्ट हो रही हैं, व्हाट्सएप की चैट्स कलेक्ट हो रही हैं, टेलीफोन कॉल्स खंगाले जा रहे हैं, और सब पूरा देखा जा रहा है कि किस किस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई का होगा, एसडीपीआई का होगा, सीएफआई का होगा, जिसका भी निकलेगा और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि उन सबके खिलाफ पुलिस जो है कारगर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, भरोसा करना होगा पुलिस पर और पुलिस की कार्रवाई पर। मैं असगर साहब आपके पास आऊं, एक छोटा सा रिएक्शन सुब्रत पाठक जी, जरा आप दे दीजिए, जवाबदेही किसकी है? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है कि जवाबदेही किसकी है अगर कानपुर में सब कुछ हो गया तो? देखो, बिल्कुल आपके पास जवाबदेही तो होती है, और ये लेकिन प्रशासन ने आप ये उसमें दूसरे बच्चे में इसको पूरे तरीके से कर लिया, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घट पाई, कोई भी हताहत नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर ये इसकी आग नहीं फैल पाई। तो लेकिन अब फिर वही बात, कुल मिलाकर ये शुक्रवार के दिन वहां अरबा नमाज होती है, नमाज पढ़ी जाती है जुमे की, तो उसमें संख्या भी आती है, अच्छी संख्या में लोग आते हैं। इस पर ठीक नहीं पूछ सकते हैं, नहीं फोड़ सकते हैं, ठीक है सर? आपकी सरकार है, प्रशासन अधिकारी वहां पर अलर्ट रहने चाहिए थे। इस बात पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है सर, जुमे की नमाज तो होती है और होती रहेगी, इस बात पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। असगर जी, जवाब दीजिए आप। देखिए प्राची जी, मेरी नजर में इट्स ए बिग फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इन सेंटर, ये सब इनकी जिम्मेदारी होती थी। और अभी जो आपने एक अपने प्रोग्राम के शुरू में कमिश्नर साहब का बयान सुनवाया, मुझे उस पर भी थोड़ी सी आशंका है। कमिश्नर साहब का बयान मुझे बिल्कुल बायस बयान लगा, जो बात कह रहे हैं उसको पीएफआई से आपने
अभी इनिशियल स्टेज है, हम खुद, मैं वकील हूँ इसलिए ये बात और भी ज़ोर से कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ एक बड़ा सवाल है कि अगर आपकी स्क्रीन पे मैं इतनी देर से पत्थरबाजी देख रहा हूँ, दोनों तरफ से पत्थर आ रहे हैं जा रहे हैं, दो टीमें दोनों तरफ से पत्थर आ रहे हैं जा रहे हैं, एक टीम वो भी है जो पुलिस की मौजूदगी में पत्थर फेंक रही है, पता नहीं वो कौन सी टीम है, और लेकिन जो अरेस्ट हुई भी है उसकी लिस्ट पता नहीं आपके पास है या नहीं है, वो एक लिस्ट है, वो एक तरफा लिस्ट है, सिर्फ एक पक्ष के लोगों को, सिर्फ एक पक्ष के लोगों को। बंसल साहब सुन ले फिर जवाब, बंसल साहब सुन लो यार, जवाब दे देना, जब तुम्हारी दुख की रख पे हाथ रखो तो तुम रोने लगते हो, ये गलत बात है। अरे जिहादी का पहले मतलब बता दो, जिहाद का मतलब मालूम है ना जी, जाके पढ़ के आओ, इस्लामिक स्कॉलर जाके पढ़ के आओ, जिहाद का बताओ ना, मैं जिहाद हूँ क्या करोगे आप बताओ, मैं जिहादी हूँ क्या करोगे, नहीं मांग करते, मैं कहता हूँ ईरान से हर चैनल पे तुमसे कहता हूँ मैं जिहादी हूँ, करो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, मैं जिहादी हूँ, तुम्हें जिहाद का मतलब मालूम है, जिहाद के केंद्र जाहिल है वो लोग, मस्जिद हो जाहिल है वो लोग जिनको जिहाद का मतलब भी नहीं, और जिहाद जिहाद करते रहते हैं, जिहाद जिहाद करते रहोगे, जिहाद का मतलब नहीं मालूम, जाहिल में देखो अपने दूर करो, कम से कम पढ़ के आओ कुछ, सीखो कुछ, फिर आके चैनल पे बैठो, चैनल पे अपने फोटो खिंचवाना, आगे से वो स्थिति नहीं, मस्जिद से निकल के आते हैं, अगर मस्जिद के अंदर का तुम खुतबा सुनो, क्या यार तुम्हें पता नहीं है, मस्जिद के अंदर का खुतबा सुनो, तुम मुसलमान हो जाओगे, अगर मस्जिद के अंदर का खुतबा सुनो, लेकिन तुम इस्लाम में आ जाओगे, बेकार की सील कर देते, ये मत करो, भड़काने वाली बात मत करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।